चिंटू चलो बाजार में घूमने चलते हैं। सुना है बाजार में मेला लगा है। हाँ चिंकी, मैंने सुना है कई जादूगर अपना वहाँ जादू दिखाने आए हैं, तो कई खेल दिखाने वाले खेल और कई खिलौने बेच रहे हैं। हाँ चिंटू, पर मैं तो वहाँ जादूगर का जादू देखने जाऊंगी, क्योंकि वहाँ कई लोग सिर्फ जादूगर का जादू ही देखने आएंगे। वो देखो चिंकी, जादूगर अपनी जादू की छड़ी को घुमा घुमा कर वहाँ जादू दिखा रहा है। चिंटू चलो जादूगर के पास चलते हैं। जादूगर जादूगर, मुझे भी अपना जादू दिखाओ। ए बच्ची, मैं बिना पैसे के किसी को भी जादू नहीं दिखाता जादू। ए जादूगर अंकल, पहले आप थोड़ा जादू तो दिखाओ, पैसे तो हम आपको दे देंगे। अबे ओ, तुझे मैं अंकल दिखाई देता हूँ, पहले पैसे दो फिर ही घूमेगी ये जादू की झड़ी। सॉरी सॉरी जादूगर, अब से हम आपको जादूगर अंकल नहीं बोलेंगे, इसकी तरफ से मैं आपको सॉरी कहती हूँ। थोड़ा जादू दिखाओ ना। ठीक है चिंकी, अब दिखाता हूँ मैं तुम्हें जादू। अगड़म बगड़म जादू का जाला, इस चिंटू को हवा में उड़ा डाला। अरे अरे, ये क्या हो रहा है, मैं हवा में कैसे उड़ रहा हूँ? बचाओ मुझे कोई, चिंकी बचाओ मुझे। चिंटू वो देखो केले की दुकान, मेरे मुंह में तो केले देखकर पानी आ गया। अरे पिंकी, ये केले तो मैं अकेले नहीं खा रहे, पहले ये तो देखो कि ये केले स्वादिष्ट भी है या नहीं, पापा को भी तो अच्छे लगने चाहिए। लेकिन चिंटू भाई, तुम खुद सोचो, केले खाने में स्वादिष्ट नहीं होते तो उन्हें देखकर मेरे मुंह में पानी क्यों आता? तुम्हें तो पता है ना, केले का गुण स्वादिष्टपन मिठास में सूंघकर बता देती हूँ। ठीक है पिंकी, चलो केले खरीद लेते हैं। अरे ओ दुकानदार भाई साहब, ये केले कितने रुपए किलो दे रहे हो? अरे बेटा, ये केले 100 रुपए दर्जन है, 100 रुपए। ठीक है दुकानदार अंकल, मैं चखकर इनकी मिठास देख लेता हूँ। अरे अरे बच्चे, तूने तो जादुई केला खा लिया। अरे दुकानदार अंकल, ये केला जादुई हो या ना हो, केला तो केला होता है। पर पिंकी, ये जादुई केला है, क्या पता चिंटू पर इसका क्या असर होगा और क्या नहीं, और क्या नहीं। अरे अरे दुकानदार अंकल, देखो चिंटू को क्या हो गया है, केला खाते ही वो तो डांस करने लग गया है, वो भी हिप हॉप। अरे ओ बुड्ढे अंकल, अब जल्दी से 2 दर्जन केले पैक कर। ठीक है बेटा, तुम जाओ अपने घर पे, मैं तुम्हारे घर पहुंचा दूंगा केले 2 दर्जन। पापा पापा, आपको पता है चिंटू दुकानदार अंकल से बदतमीजी से बात कर रहा था, बुढ़ाऊ बुढ़ाऊ बोल रहा था उनको। अच्छा चिंटू, तेरी इतनी हिम्मत कि तू बड़ों से ऐसे बात करेगा? जरा पिंकिया मेरा डंडा लाना। अरे वाह, ये टेम्पो कितना मस्त है, कितना मस्त। अरे हाँ चिंटू, ये टेम्पो तो बहुत मस्त है, बहुत। अरे चिंकी, अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, टेम्पो चला के करोड़पति। अरे चिंटू, वो सब तो ठीक है, लेकिन तेरे को टेम्पो चलाना तो आता है ना, कहीं गिराए को बैठ दे। अरे हाँ 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 पिंकी, मुझे तो बहुत अच्छे से आता है टेम्पो चलाना, किसी को नहीं बैठूंगा मैं, अब तो करोड़पति बन के ही बताऊंगा तुझे करोड़पति। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है, चल फिर कुछ किराया ढूंढते हैं। अरे अंकल, कहाँ जा रहे हो पैदल पैदल, आ जाओ टेम्पो में, मैं आपको छोड़ दूंगा, छोड़। ठीक है बेटा, तू मुझे बाईपास पे छोड़ देना, बाईपास पे।
अरे अरे बस बेटा, यहीं उतार दे मुझे। लाओ अंकल पैसे, आपका किराया हो गया है 5,540 रुपए। अरे बेटा, तू मुझे इतनी सी दूर छोड़ने के पैसे लेगा क्या? वो भी 5,540 रुपए मेरे पास तो नहीं है। अच्छा अंकल, कोई बात नहीं, चलो दुआ में याद रखना, चलता हूँ। बंदर भाई, क्या हमें सच में चुड़ैल आंटी के बगीचे से फल चुराने चाहिए? हाँ चिंटू भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, लेकिन बंदर भाई ऐसा ना हो कि चुड़ैल हमारा मार मार के भरता बना दे। अरे चिंटू भाई, मैंने कहा ना, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं अपने दोस्त एलियन को वहाँ लेकर चलूंगा जो जादू से चुड़ैल को मजा चखा देगा। अरे बंदर भाई, पर मुझे तुम्हारा दोस्त एलियन तो दिखाई नहीं दे रहा। अरे चिंटू भाई, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, मुझे एलियन ने कहा था जब तुम मुसीबत में हो तो एलियन भाई 3 बार पुकार लेना, मैं झट से तुम्हारे पास आ जाऊंगा। हाँ ठीक है बंदर भाई, चलो चलते हैं चुड़ैल के बगीचे से मीठे मीठे फल चुराने। ये तुम दोनों ने यहाँ आकर अच्छा नहीं किया, अब तुम दोनों को इसकी सजा मिलेगी। रुको, तुम्हें मैं बताती हूँ अभी। अरे बंदर भाई बचा, वरना ये चुड़ैल हमको मार देगी। तूने बोला था ना तेरा दोस्त एलियन आएगा बचाने, पर आया तो नहीं। अरे चिंटू भाई, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं बुलाता हूँ एलियन भाई को। एलियन भाई, एलियन भाई, बचाओ हमें। अरे बंदर भाई बोलो, तुम पर कौन सी मुसीबत आई है जो तुमने हमको बुलाया है? अरे एलियन भाई, ये चुड़ैल मेरे दोस्त चिंटू और मुझे परेशान कर रही है। ए चुड़ैल, तू क्यों परेशान कर रही है चिंटू और मेरे दोस्त बंदर को? अरे तुझे ये क्या बचाएगा, अब तो ये भी तेरे साथ मरने वाला है। या तू मुझे मारेगी, तेरी इतनी हिम्मत, अभी तुझे बताता हूँ मैं।